नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स। कैसे दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, एक हम आरओ बनाने जा रहे हैं और ये आरओ जो है हम डबल मेम्ब्रेन में बनाएंगे। इसका फ्लो लगभग हमें 20 से 22 लीटर या 25 लीटर के करीब फ्लो रखना है। तो उसमें देखिए, हमने ये मोटर हमने नया इसमें लगा लिया है। एक्चुअली क्या है कि ये जो आरओ सिस्टम है बेसिकली एक इंडस्ट्री में लगा हुआ था, फैक्ट्री में लगा हुआ था, लेकिन वहाँ क्या है कि पानी की कंजप्शन जो बहुत ज़्यादा थी और ये उतना फ्लो दे नहीं पाता था। तो हमारे क्लाइंट जो, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसका फ्लो बढ़ जाए। अब पहले तो हमने वहाँ का TDS चेक किया और जब हमें दिखा कि पानी का TDS लगभग 100-150 है, तो हमने उन्हें यही सजेस्ट किया कि इसका फ्लो हम बढ़ा सकते हैं। इसमें बस एक थोड़ा नया मोटर जिसका कि फ़्लो बढ़िया हो वो लगाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो इसमें मोटर लगी हुई तो इसका प्रेशर बिल्कुल ख़राब था। कहने का मतलब बिल्कुल डेड कंडीशन में ही आ रहा था, फ्लो बिल्कुल नहीं दे रहा था और जो मेम्ब्रेन थी मेम्ब्रेन भी बिल्कुल चोक थी। तो अब हमने इसमें क्या किया है कि नया पंप लगा लिए, इसके पाइपिंग वगैरह फिल्टर्स वगैरह सारे इसमें हमने फिट कर लिए हैं। अब आगे का प्रोसेस क्या रहता है, डबल मेम्ब्रेन मतलब कैसे लगाई जाती है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। ये देखिए, ये आप कैबिनेट देख सकते हैं, कैबिनेट की बहुत बुरी कंडीशन थी। इसको हमने पहले पूरा कैबिनेट को खोल के क्लीन किया, इसकी सर्विस की, इसको धोया अच्छे से, देन उसके बाद फिर कैबिनेट में सारी पाइपिंग वगैरह नई इसमें हमने फिट किए हैं, अडेप्टर वायरिंग के कनेक्शन के। और ये आप SV देख सकते हैं, SV हालांकि ओके कंडीशन में था, लेकिन फिर भी हमने इसका SV चेंज कर दिया क्योंकि इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन थी। अब क्योंकि हमारे सर्विस सेंटर से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये RO लगना है और अगर 1% इसमें दिक्कत आ गई तो फिर दोबारा वहाँ विजिट करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इसका SV भी हमने चेंज कर दिया। हालांकि हम इसका चार्ज नहीं ले रहे हैं, जो हमने लमसम अमाउंट दिया था, एस्टिमेट दिया था, उसी एस्टिमेट में हम ये SV भी चेंज कर रहे हैं और कई चीज़ें हमें लगानी पड़ रही हैं, लेकिन इसका हम चार्ज नहीं पे लेंगे। तो ये देखिए क्या है कि नॉर्मल जैसे कनेक्शन रहते हैं वैसे कनेक्शन है, लेकिन इसमें जो कनेक्शन है मोटर के जो आउट है वहाँ आगे थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें TDS एडजस्टर भी नहीं लगा हुआ था, हमें अब इसमें TDS एडजस्टर भी लगाना है। तो वो किस टाइप से होगा सारा अभी आपको हम दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मोटर के आउट में हमने एक टी दे दिया है। अब टी में से क्या है कि एक जो पाइप आप ऊपर देख रहे हैं ये एक मेम्ब्रेन में चला जाएगा, और ये देखिए ये एडाप्टर जो है, एडाप्टर लगा लिया हमने डेल्टा का। इसमें पहले पानी इसके अंदर आ गया, ये सेडिमेंट फिल्टर में एक कार्बन फिल्टर है, कार्बन के बाद फिर हमने सेडिमेंट में दिया, सेडिमेंट के बाद हमने SV में दिया, SV के बाद मोटर के इन में पानी जा रहा है। ये आप देख सकते हैं किस टाइप से पानी घूम रहा है। इसमें हमने SV SLX कंपनी का लगाया है, ये मोटर में आ गया पानी। अब मोटर के बाद ये हमने आउट में एक टी लगा दी, थोड़े कनेक्शन यहाँ आके अब हमारे कनेक्शन चेंज हो जाएंगे। ये आप देखिए, इसलिए हमारे क्लाइंट तो नया RO लगाने के लिए कह रहे थे, लेकिन हमने कहा इसी में आपका हम अपग्रेड कर देंगे और इसी RO को हम आपका डबल मेम्ब्रेन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें लग रहा था कि पानी का TDS नॉर्मल है तो ये एटलीस्ट कम से कम 20-22 लीटर तो फ्लो दे ही देगा 1 घंटे में। ये हमने एक मेम्ब्रेन इसमें फिट कर दिया। लगभग 20-22 लीटर का अगर हमें RO बनाना तो उसमें हमें डबल मेम्ब्रेन लगानी पड़ती है। और एक जी मेम्ब्रेन आप और देख रहे हैं, थोड़ा सेटिंग हमें, अब क्योंकि इसमें हमें एक मेम्ब्रेन और फिट करनी है तो उसके लिए हमें थोड़ा सेटिंग इसको बिठाने पड़ेगा, मतलब एडजस्ट करने पड़ेंगे सारी फिल्टर्स वगैरह मेम्ब्रेन वगैरह, वो सारी सेटिंग हमें देखनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है।
हो सकता है हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तब आपको पूरा इसमें समझ आएगा किस टाइप से सारी हमने पाइपिंग वगैरह घुमा रखी। इसका थोड़ा सेटिंग बैठाने में टाइम लग जाता है। अब यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, वैसे जो जनरली 20-25 लीटर का आरओ जो बनता है वो एक स्टैंड स्टील के स्टैंड में बनता है, लेकिन यहाँ ये हम स्टोरेज टैंक में ही आरओ बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, अब मैंने सारी इसकी पाइपिंग वगैरह कर ली है, जिसमें कि अब मैं सारा आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे मैंने पाइपिंग घुमाई है, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये आप देख सकते हैं, एक टी हो गया, टी के बाद पहली टी में से एक ऊपर जो पाइप आप देख रहे हैं ये वाला, ये एक मेम्ब्रेन हाउसिंग में जा रहा है। यहाँ से हमने पहली मेम्ब्रेन का इन ले लिया, जो कि यहाँ इस वाली मेम्ब्रेन में कनेक्ट हो गया। और अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये पाइप तो चला, और ये एक पाइप और आ गया, यहाँ पर भी हमने एक टी लगा दी, एक पाइप दूसरी मेम्ब्रेन में आ गया, ये आप देख सकते हैं। और यहीं से हमने ये ऊपर जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये हमने एक टीडीएस एडजस्टर, ये मेम्ब्रेन हो गया, और एक आप ये देखिए ये टीडीएस एडजस्टर में निकल गया, देखिए ये टीडीएस एडजस्टर में आ गया। और यहाँ टीडीएस एडजस्टर से जो फाइनल फिल्टर में पानी जा रहा है, ये देखिए ये टी मेम्ब्रेन में, सेकंड मेम्ब्रेन, और ये आप देख सकते हैं ये ड्रेन वाला पाइप है जो फ्रंट साइड में आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन हाउसिंग का, ये बैक साइड में प्योर पानी का है। ये दोनों हमने जो ड्रेन वाले हैं, यहाँ टी लगा ली, एक ये ड्रेन हो गया पहली मेम्ब्रेन का, और एक ये बैक साइड से दूसरी मेम्ब्रेन का ड्रेन वाला पाइप आ रहा है। ये देखिए ये फ्रंट साइड में जो है दोनों ड्रेन के पाइप हैं, और ये हमने एक टी में दे दिए, और टी में से हमने क्या किया है, एक पाइप निकाल दिए जो कि बैक साइड से इधर बल्क हेड से निकल जाएगा। यहाँ हमने डबल एफर नहीं लगाया, हम इसमें क्या है कि सिंगल एफर ही लगा रहे हैं। और उसके बाद ये प्योर पानी वाले पाइप हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बैक साइड में जो तो आपको दिख रहा है, एक पहली मेम्ब्रेन का ये प्योर वाला पॉइंट और एक दूसरी मेम्ब्रेन का भी, यहाँ इसे हमने टी में कनेक्ट कर दिया, और यहीं टी से पानी का फ्लो इस फिल्टर में आ गया। यहाँ भी हमने एक टी लगाई है जो कि एक फाइनल बैक साइड में फाइनल पानी का प्योर आ रहा है, और प्योर पानी का पाइप आ रहा है, और इधर से एक टीडीएस एडजस्टर से पाइप, ये टीडीएस एडजस्टर से पाइप एक टी में चला गया। अब इसमें एक टीडीएस अगर हमें अप डाउन करनी होती है तो यहाँ से कर सकते हो, ये फाइनल पानी ये अब यहाँ से स्टोरेज टैंक में चला जाएगा, और ये एफर हमने इसमें लगा लिया है, ये 300 का एफर लगाया हमने इसमें, देख सकते हैं। अब डबल एफर नहीं लगाया, क्योंकि डबल एफर लगाने से क्या होता है, कई बार अगर एक एफर चौक हो जाता है तो दूसरे एफर से पानी निकलता रहता है, तो उस कंडीशन में हमें एक ही अगर आउटलेट रखना होता है तो हमको पता नहीं चलता कि कोई अगर एफर चौक हो जाए तो पानी निकलता रहता है और मेम्ब्रेन ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने एक ही एफर इसमें लगाया कि बाई चांस अगर एफर चौक होता है तो हमें उसी समय पता चल जाएगा कि एफर चौक और एफर चेंज करने से मेम्ब्रेन की लाइफ सेफ रहेगी। ये फ्लोट वाल के कनेक्शन हो गए, ये एफर जो है, एफर की सेटिंग के बारे में मैं आपको यही सब बता रहा हूँ कि एफर जो है हमें इसमें एक ही लगाया, दो एफर नहीं लगाने हैं। और ये हमने पानी का इनलेट ले लिया बैक साइड से, अभी मैं आपको आरओ ऑन करके दिखाऊंगा, ये बैक साइड से पानी का इन आ गया, और ये पूरा आरओ अब रेडी हो गया है, फाइनल हमारी असेंबली हो गई है, जिससे हम कह सकते हैं कि 20 से 22 लीटर का एक घंटे में फ्लो देने के लिए अब ये रेडी है। और अब हम इसका एक बारी टाइमर लगा के इसका फ्लो भी चेक करेंगे कि रियल में ये फ्लो कितना दे रहा है एक मिनट में, या एक लीटर की बोतल, ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक लीटर की बोतल भी है,
क्योंकि अगर हमने बनाया है तो हमें थोड़ा ये भी तो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि ये रियल में फ्लो दे रहा है कुछ के नहीं दे रहा। अब हम RO ऑन करेंगे और काउंटडाउन स्टार्ट कर देंगे। ये आप देखिए, ये काउंटडाउन स्टार्ट हो गया और अब बोतल में पानी भरना स्टार्ट हो गया। इसे आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको ज़रूर नज़र आएगा कि एक ये बोतल कितनी देर में भर रही है। लेकिन बीच में मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, दोस्तों चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप चैनल तो सब्सक्राइब करना भूल ही गए हैं, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे प्रेस कीजिए। अगर आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए जिसमें कि आपको नॉलेज मिले कि RO कैसे असेंबल किया जाता है, RO से रिलेटेड कंप्लेंट्स कैसे रिपेयर की जाती हैं, तो चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, तो कोई बात नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखिए, आप देख सकते हैं ये अभी एक मिनट नहीं हुआ है, जब बोतल पूरा भरने वाला होगा या भर जाएगा तो मैं इसे स्टॉप कर दूंगा, फिर इसमें फाइनल आप पानी, ये देखिए अभी भरने वाला है और इसका टाइम जहाँ तक मेरे को आइडिया लगभग 1 मिनट और 20 सेकंड में 1 लीटर पानी भर जाएगा, जहाँ तक मेरे को इसका फ्लो देख के और काउंटडाउन देख के पता चल रहा है। ये देखिए देखिए, वो बोतल 1 लीटर की भर गई और इसमें आप देख सकते हैं लगभग 1 मिनट और 20 सेकंड इसे मान के चलिए पानी भर रहा है 1 लीटर, मतलब 1 मिनट और 20 सेकंड में 1 लीटर अगर पानी भर रहा है तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं। हम जब मोटा मोटा इसे हम मान के चलें कि अगर 2 मिनट में भी 1 लीटर पानी भर रहा है तो 1 घंटे में लगभग इसका फ्लो 30 लीटर के करीब होता है। 30 लीटर अगर चलो हम ना भी माने, 25 ना भी माने तो 22 से 25 लीटर का इसका फ़्लो आपके सामने मैंने लाइव डेमो देके काउंटडाउन स्टार्ट करके आपको दिखाया है। तो इस वीडियो में यही है कि टाइमर से हमने आपको नोट करके दिखाया है कि एग्जैक्ट, क्योंकि अगर हमने कोई चीज़ बनाई है, ये देखिए इसमें अभी 1 मिनट और 20 सेकंड पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इसे मोटा मोटा मान के चल रहे हैं कि चलो 1 मिनट और 20 सेकंड हो जाते हैं। ठीक है, ये तो चलो अब हमने काउंटडाउन करके चेक कर लिया है कि भाई कितना पानी आ रहा है, क्योंकि अगर हमारा क्लाइंट कोई अगर पैसा लगा रहा है तो उसे जो चीज़ हमने प्रॉमिस किया तो मिलनी चाहिए ना। तो ये देखिए अब ये फिर RO स्टार्ट हो गया, उस RO ओके हो गया है, तो आपके सामने फाइनल व्यू आप देख सकते हैं। ये सारे पाइपिंग वगैरह हमने सारे नए चेंज कर दिए, ये TDS एडजस्टर दे दिया, डबल मेम्ब्रेन इसमें लगा दी। और यहाँ मैं आपको एक फाइनल और बात बताना चाहूँगा, आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें मैंने जो मोटर है वो 75 GPT का ही दिया है और दूसरा इसमें मोटा पाइप नहीं घुमाया है, मोटे पाइप के सारे कनेक्शन नहीं दिए। उसका रीज़न ये है कि जहाँ ये RO इंस्टॉल करना है वहाँ का TDS 100-150 के करीब TDS है, तो वहाँ अगर TDS एडजस्ट लगाने का मतलब भी हमारा यही है कि अगर इसका थोड़ा फ्लो कम भी होगा तो TDS एडजस्टर से थोड़ा फ्लो करके हम बढ़ा देंगे, और कम TDS है तो इसलिए हमारा 75 GPT का पंप कामयाब हो जाएगा। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप डबल मेम्ब्रेन का RO बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको पानी का TDS ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। अगर TDS पानी का 1000, 1500 या 2000 है तो आपको 75 GPT का मोटर लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको जो है लगभग 150 GPT का मोटर कम से कम लगाना पड़ेगा और उसे SMBS ऑपरेट करना पड़ेगा।